चलो देखो, टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। टावर ऑफ हैनोई का एल्गोरिदम हम लोग लिखने वाले थे। दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। ये टावर जो लिखा है ये फंक्शन का नाम है। हम इस फंक्शन, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम देना होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ पैरामीटर्स भी हैं। हमारे पास जो इस प्रोग्राम के लिए पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स, हम कितने रिंग्स को मूव कराना चाहते हैं। एन की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा तीन टावर्स, एक टावर जो बिगिनिंग टावर होगा, दूसरा टावर जो ऑक्सिलरी टावर होगा, तीसरा टावर जो एंड वाला टावर होगा। मतलब हमें मूवमेंट कराना है बिगिनिंग से एंड की ओर। आप नेट पे सर्च करोगे या किसी बुक में पढ़ोगे तो ये ऑर्डर हो सकता है कि कुछ और लिखा हो, जैसे एन लिखा हो सकता है, कॉमा बिगिनिंग लिखा हो सकता है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बिगिनिंग। उसके बाद हो सकता है वो यहाँ पे एंड ले ले, बीच में ही एंड ले ले, और लास्ट में ऑक्सिलरी ले, ठीक है। दोनों मेथड सही है। हम जो मूव कराएंगे वो यहाँ पे जो टावर का नाम होगा उससे इस जगह जो टावर होगा उस जगह पे। बुक में आप देखोगे तो वो इस ऐसे मूव करवा रहा है यहाँ से यहाँ पे, जबकि हम मूव करा रहे हैं पहले से तीसरे में। हम जो तीसरा टावर यहाँ पे लिखते हैं वो हमारा एंड टावर होता है। बुक में जो लिखता है वो यहाँ पे जो लिखता है वो उसका एंड टावर होता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, हम पैरामीटर की ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रिकर्सिव कॉल है, यानी हम इस फंक्शन को बार बार यूज करने वाले हैं। दूसरी बात, ये रिकर्सिव कॉल है, इसका मतलब एक इफ की कंडीशन यहाँ पे होगी, ठीक। हम इसको समझते हैं थोड़ा। पहला कंडीशन जो इफ की लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है? इफ एन इज इक्वल टू 1, यानी यूजर ने अगर सिर्फ एक ही रिंग दिया है आपको मूव करवाना तो वो तो आसान है। जो वाले टावर पे मूव करा देंगे, मतलब यहां से मूव करवा देंगे इस वाले में, हमें इस केस में वो सिर्फ एक ही है। ओके, नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा, 2 रिंग हो, 3 रिंग हो, 4 हो, 10 हो, तो फिर हमें ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उस केस में हमें रिकर्जन कॉल यूज करना है। अब इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ये क्या है, हमें करना क्या है, हमें अपने प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या था? तीन टावर्स हैं हमारे पास, उस तीन टावर्स में तीन रिंग्स हैं, 1, 2, 3। हम इस प्रॉब्लम को तीन स्टेप में ब्रेक करेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप ये कहता है कि स्टार्टिंग के सारे रिंग्स को एक अकेले छोड़कर, ये वाला छोड़ देना है, उसके ऊपर के जितने भी रिंग्स हैं उन सबको अगर हम यहाँ से मूव कराकर ऑक्सिलरी में ले आए, ठीक है, यानी ये सारे मूव होकर के ऑक्सिलरी में आ जाएं, तो बिगिनिंग टावर में सिर्फ एक ही रिंग बचेगा। और जब बिगिनिंग टावर में सिर्फ एक ही रिंग बचेगा तो फिर हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, और वो क्या, इस रिंग को उठाकर यहाँ ले आएंगे, ठीक है। यानी हम स्टार्टिंग के n-1 रिंग्स को मूव करवा कर ऑक्सिलरी टावर में ले आए। कैसे लाएंगे वो अलग बात है, हमारा तरीका ये है कि हम n-1 रिंग्स को, ऊपर के n-1 रिंग्स को मूव करा के ऑक्सिलरी टावर में ले आए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में, अब क्योंकि इसमें पहले टावर में सिर्फ एक ही रिंग बचा है तो हम उस रिंग को उठाकर बिगिनिंग वाले से उठाकर एंड वाले में ले जा सकते हैं, ये रहा स्टेप नंबर 2। और फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो रिंग्स यहाँ पे आए थे उस रिंग्स को यहाँ से उठाकर फिर लास्टली यहाँ पे पुट कर देना। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सारे रिंग्स यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएंगे। फिर से स्टेप सुन लो, बिगिनिंग टावर में से एन टावर्स है, एन रिंग्स है अगर हमारे पास, तो स्टार्टिंग के टॉप से डाउन अगर देखें तो n-1 रिंग्स को मूव कराना है बिगिनिंग से ऑक्सिलरी की ओर। सेकेंड स्टेप में, क्योंकि अब बिगिनिंग टावर पे सिर्फ एक ही रिंग बचा है तो अब हम उसको मूव करवाएंगे बिगिनिंग से एंड वाले टावर पे। थर्ड स्टेप में, जो पहले स्टेप में रिंग्स हमने मूव किया था ऑक्सिलरी वाले में, उसको अब मूव करवाएंगे ऑक्सिलरी से कहाँ, एंड की ओर। अगर हम ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमने क्या किया, अपने सारे रिंग्स को पहले टावर से लास्ट वाले टावर की ओर पहुंचा दिया। अब देखो इसका सीक्वेंस मैं एक बार फिर बता दूं, हमारा मूवमेंट कैसे होगा।
हमारा मूवमेंट होगा, यहाँ पे जो टावर का नाम है उसको हम मानेंगे अपना बिगनिंग टावर, यहाँ पे जो टावर का नाम होगा वो मानेंगे हम अपना एंड टावर, और यहाँ पे जो टावर का नाम होगा वो हमारा इंटरमीडिएट टावर है। यानी कि अगर हम ए बी सी अगर नाम दें तो पर्टिकुलर इस केस में एन इक्वल टू थ्री के लिए देखते हैं, एन इक्वल टू थ्री आसान होता है समझने के लिए। एन इक्वल टू थ्री के लिए अगर देखें तो हमारा ये वाला सीक्वेंस कैसा लिखा होगा, ये लिखा होगा टावर, एन की वैल्यू है थ्री, बिगिनिंग टावर है हमारा ए, ऑक्सिलरी टावर है हमारा बी, और डेस्टिनेशन या एंड टावर है हमारा सी। हम क्या करना चाहते हैं, हम इन तीनों रिंग्स को ए से मूव करा के सी पर लाना चाहते हैं। उसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो ये कि हम इस तीनों रिंग्स को एक बार में मूव नहीं करा सकते, हमें रिकर्सिव कॉल करना होगा। तो हम इसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तीन पार्ट में डिवाइड किया, पहला के पार्ट क्या कहेगा आपको, इस तीन में से सिर्फ स्टार्टिंग के दो रिंग्स को ऑक्सिलरी टावर में मूव कराना है। तो उसके लिए रिकर्सिव कॉल करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो हमें फिर से फंक्शन लिखना होगा टावर, और यहाँ एन माइनस वन लिखा है, एन की ओरिजिनल वैल्यू थ्री थी, एन माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, टू। देन अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिनिंग टावर। इस पैटर्न में अगर देखो तो बिगिनिंग टावर हमारा क्या है, ए, तो हम लिखेंगे ए कॉमा, फिर यहाँ लिखा है एंड टावर। इस पैटर्न में जो था वो एंड टावर कौन सा था, सी, तो यहाँ आ जाएगा सी, और फिर लिखा है ऑक्सिलरी टावर, यानी इस पैटर्न में ऑक्सिलरी टावर कौन सा था, बी, यानी ये मूवमेंट हो गया। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, ए से सी की ओर मूवमेंट था, उसी तरह हम यहाँ पे अगर रीड करें तो क्या मूवमेंट है, ए से बी की ओर, यानी हमने उसको स्टार्टिंग के दो रिंग्स को ऑक्सिलरी टावर में मूव करा दिया। ये जब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन हम मानते हैं ये स्टेप कंप्लीट जब हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो बिगनिंग वाले टावर में सिर्फ एक ही रिंग बचा है, उस रिंग को हम क्या करेंगे, उस रिंग को हम ए से सी की ओर मूव करा देंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ये वाला पैटर्न फिर से हमें करना होगा। अब हमें क्या करना है, फिर से एन माइनस वन रिंग्स को ऑक्सिलरी वाले में से लास्ट वाले में ले जाना है। एन माइनस वन करोगे तो एन की वैल्यू क्या है, ओरिजिनली थ्री, एन माइनस वन करोगे तो मिलेगा टू। हमें मूव कराना है ऑक्सिलरी से एंड की ओर, तो ऑक्सिलरी टावर का नाम क्या है हमारे केस में, बी, जो बीच में लिखा रहता है वो ऑक्सिलरी होता है। मूव करवाना है कहाँ हमें, एंड वाले टावर के पास, तो एंड टावर का नाम क्या है, सी, बचा जो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। लेकिन जब पहले स्टेप के बाद भी अगर हम देखते हैं इस स्टेप को ध्यान से देखो तो ये भी फिर से रिकर्सिव कॉल है, कहाँ कहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी इस स्टेप को हमें फिर से ब्रेक करना होगा इन तीनों स्टेप्स में। चलो हम इसको फिर से ब्रेक करते हैं, हमें इसको क्या करना होगा, एन माइनस वन रिंग्स को बिगिनिंग वाले से ऑक्सिलरी वाले में लेकर जाना है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, टू, तो एन माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा, वन, तो ये हो जाएगा टी वन कॉमा। इस केस में बिगिनिंग टावर क्या है, पैटर्न हमेशा हमेशा यही रहता है, ये वाला टावर बिगिनिंग है, ये वाला टावर ऑक्सिलरी है, और ये वाला टावर एंड है। हमें मूव कहाँ कराना है, बिगिनिंग से ऑक्सिलरी की ओर, तो बिगनिंग से ऑक्सिलरी यानी ए टू सी मूव कराना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे ए, लास्ट वाला टावर हो जाएगा हमारा सी, जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड स्टेप था वो क्या था, हम अपने रिंग्स को, एक अकेला रिंग्स को बिगनिंग से एंड की ओर पहुंचाते हैं। तो बिगनिंग से एंड की ओर पहुंचाओगे तो क्या होगा, एक ही रिंग है तो उसको आसानी से मूव करा सकते हो, यानी सेकेंड स्टेप में मिलेगा हमें ए डैश बी, यानी हम मूव करवा रहे हैं ए से बी की ओर। थर्ड स्टेप में फिर रिकर्जन कॉल है, हम उसको रिकर्सिव कॉल करेंगे, तो हमें फंक्शन लिखना होगा टावर, एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन की वैल्यू है वन। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी से लास्ट की ओर, एंड की ओर पहुंचाते हैं। ऑक्सिलरी टावर कौन है, सी, तो सी से हम मूव करवाएंगे कहाँ की ओर, बी की ओर, बचा कौन सा, ए, उस ए को यहाँ लिख दो। ये वाला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट था,
ये वाला रिकर्सिव कॉल हो गया, एक स्टेप बचा है केवल, उसको हम फिर से देखेंगे। इस वाले में आ जाओ, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करो यहाँ पे भी। तो टी माइनस वन एन माइनस वन के लिए करोगे तो क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ रिंग्स वन है। मूव करवाना है बिगिनिंग से ऑक्सिलरी की ओर, ये वाला टावर है बिगिनिंग, ये वाला टावर है ऑक्सिलरी, तो हम मूव करवाएंगे बी से ए की ओर, और बचा कौन सा है सी, तो वो हम यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, बिगिनिंग से एंड की ओर मूव कराते हैं, ये वाला टावर बिगिनिंग है, ये वाला टावर एंड है, यानी हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे बी से सी की ओर मूव। थर्ड स्टेप में हमें फिर से रिकर्सिव कॉल करना होगा टी वन, और हमें मूव कराना होता है थर्ड स्टेप में ऑक्सिलरी से एंड की ओर, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी है ए, एंड है सी, तो हम थोड़ा यहाँ जगह कम पड़ रही, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए से सी की ओर मूव कराना है, और टावर जो यूज करेंगे हम वो बी नंबर को यूज करेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी से एंड की ओर मूव कराना है पहले से तीसरे में। अब देखो हमें एक बार फिर से रिकर्सिव कॉल मिला, हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो सिर्फ एक ही है, तो नंबर ऑफ रिंग वन है उसके लिए ये वाला कंडीशन चल जाएगा। यानी कि हम इस स्टेप को देखो, मैं यहाँ साइड से लिखता जाता हूँ, ये वाला स्टेप क्या तुम्हें देगा, ए से सी की ओर मूवमेंट, क्यों, क्योंकि बिगनिंग ये है और एंड ये है, तो पहला जो है वो तुम्हें दे रहा है ए से सी की ओर मूवमेंट। दूसरा स्टेप तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, वो क्या मिला था तुम्हें, ए से बी की ओर मूवमेंट। थर्ड स्टेप में क्या मिलेगा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिंग्स जो है वन ही है, वन नंबर ऑफ रिंग्स के लिए हम बिगिनिंग से एंड की ओर मूव कराते हैं, बिगिनिंग टावर का नाम इस केस में क्या है सी, और एंड टावर का नाम क्या है बी, यानी ये आपको देगा सी से बी। ये वाला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, ये मिल गया है आपको ए से सी। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला स्टेप देखो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिंग्स वन है, वन केस के लिए हम करते हैं बिगिनिंग से एंड की ओर मूव, बिगिनिंग टावर का नाम है बी और एंड टावर का नाम है ए, यानी ये आपको देगा बी टू ए। सिमिलरली ये वाला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है, ये आपको दे रहा था बी टू सी। और लास्ट स्टेप जो है वो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रिंग वन है और बिगिनिंग टावर है ए और एंड टावर है सी, यानी ये मूवमेंट कराएगा ए से सी। अब जिन लोगों ने तीन रिंग्स के लिए क्लासेस पिछली क्लास अटेंड किया होगा, वो अगर पैटर्न देखे तो यही ऑर्डर हमने फॉलो किया था, जब नंबर ऑफ रिंग्स हमारे पास तीन थे। सीक्वेंस क्या होगा, पहले हमें सबसे स्मॉलर वाले को ए से सी में भेजना होगा, मीडियम वाले को ए से बी में भेजना होगा, फिर जो स्मॉलर हमने सी में भेज रखा था उसको वापस ऑक्सिलरी में लाना होगा सी से बी, फिर सबसे लार्जर वाला जो ए में है उसको सी में भेजना होगा, देन बी के टॉप में स्मॉलर है उसको हम ए पे भेजेंगे, बी में जो मीडियम बच गया अब अकेले उसको सी में भेजेंगे, और लास्टली स्मॉलर वाला जो ए में है उसको हम वापस सी में भेजेंगे। यानी कि ये एल्गोरिदम जो है नंबर ऑफ रिंग्स जब थ्री हैं उसके लिए काम सही कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पिछले दिन दिया था आप लोगों को, जब नंबर ऑफ रिंग्स हमारे पास फोर होंगे तो क्या करना है, कुछ बच्चों ने बना के हमें आंसर भेजा था लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं भेजा, तो आपको मैं एक डायग्राम की मदद से दिखाना चाहूँगा। आप नंबर ऑफ रिंग्स थ्री के लिए सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हो सकता है इसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो ये अगर सॉल्व करता है तो यही पैटर्न हमने सॉल्व किया है, दिख रहा है सभी को। आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस सर, यस देख रहे हैं। सर, ठीक यस है। सर। देखा, नंबर ऑफ रिंग्स जब थ्री थे या नंबर ऑफ डिस्क जब थ्री थे तो हमारा टोटल मूवमेंट हुआ सेवन। सिमिलरली हम इसको फोर के लिए करके देखते हैं, हमें मालूम है कि नंबर ऑफ रिंग्स जब फोर होता है तो टोटल मूवमेंट जो होगा वो 15 होगा। ये कहाँ से निकाला था, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, उस फॉर्मूले में लिखा हुआ था टू टू दी पावर एन माइनस वन, एन की वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ रिंग्स है, टू टू दी पावर एन करोगे यानी टू टू दी पावर फोर करोगे, तो टू टू दी पावर फोर माइनस वन यानी ये होगा 16, माइनस वन करोगे यानी टोटल आएगा 15, यानी यहाँ पे देखो मिनिमम मूव जो है वो 15 लिख रहा है।
अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसका आंसर सही है या नहीं, 15 स्टेप्स में कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम होगा 1500 के लिए। तीन चार बच्चों ने ही भेजा इसका आंसर, बाकी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे थे। कुछ बच्चों का सही था, कुछ बच्चों का गलत था। अगली बार से कोई होमवर्क दिया करूं तो उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इसी तरह से इस वेबसाइट पे जा करके देख सकते हो, एन इक्वल टू 5 के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो, 31 स्टेप्स लगेंगे। एक ये देख लो, इसमें ध्यान से देखना, जब सारे रिंग्स हमारे पास ए पे थे फिर बीच स्टेप्स में वो सारे रिंग्स में से n-1 रिंग्स ऑक्सिलरी टावर में आएगा। देखो ये स्टेप जो था इससे पहले वाले में, इसमें सारा n-1 रिंग ऑक्सिलरी में आ गया, फिर हमने एक अकेले रिंग को उसमें भेजा है डेस्टिनेशन में, और अब हम ऑक्सिलरी से सारे रिंग्स को 1 by 1 डेस्टिनेशन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया टोटल 31 राउंड में। ठीक है, मैं आपको एन इज इक्वल टू 4 के लिए भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो हो सकता है हैंडराइटिंग आपको थोड़ी पता नहीं चल रही हो, एडजस्ट कर लेना। देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, एन इक्वल टू 4 के लिए हमें सॉल्व करना है। टावर्स के नाम हमारे पास ए बी और सी हैं, जहाँ पे ए टावर जो है वो हमारा बिगनिंग टावर है, सी टावर जो है हमारा डेस्टिनेशन टावर है, और हम जो मूव करवाएंगे वो ए से सी की ओर मूव करवाएंगे यूजिंग बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें मिला था 4 के लिए। हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, 3 स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। पहले n-1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर एक अकेले के लिए सॉल्व करेंगे, और फिर से n-1 के लिए सॉल्व करेंगे। मैं 1 by 1 दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे चल रहा है। पहले इस ऊपर वाले को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे की ओर आएंगे। हमने इस प्रोग्राम को ब्रेक किया 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमें कह रहा है कि n-1 रिंग्स के लिए सॉल्व करो आप, n की वैल्यू 4 थी, n-1 करोगे तो 3 हो जाएगा। और पहला स्टेप हमसे हमेशा ये कहता है कि आपको बिगिनिंग से ऑक्सिलरी की ओर मूव करवाना है। बिगिनिंग टावर का नाम क्या है यहाँ पे, ए, तो हमने पहले लिख दिया ए। ऑक्सिलरी टावर का नाम क्या है, बी, तो हमने मूव करवा दिया उसको बी में। हमारा मूवमेंट हमेशा पहले से तीसरे की ओर होगा। आप बुक देखोगे तो बुक में हो सकता है पहले से दूसरी की ओर कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑर्डर बस चेंज कर रहे हैं यूजिंग सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये भी एक रिकर्सिव कॉल है, यानी इसको फर्दर हमें 3 स्टेप में सॉल्व करना होगा। यानी अब हमें करेंगे टी इक्वल टू n-1, n की नई वैल्यू क्या है, 3 की जगह अब हो जाएगी, n-1 करोगे तो 2। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे एक अकेले रिंग के लिए सॉल्व, और थर्ड स्टेप में हम फिर से करेंगे n-1 रिंग्स के लिए। हम सबसे ऊपर वाले की ओर सॉल्व करते हैं। सबसे ऊपर वाले में देखो आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, सबसे ऊपर वाले को आप देखो सॉल्व करोगे तो इसके लिए अब देखते हैं हम फिर से, एन की वैल्यू 2 है, हमें फिर से 3 स्टेप में ब्रेक करना होगा, बिगनिंग से ऑक्सिलरी, बिगनिंग से एंड, और ऑक्सिलरी से एंड की ओर। एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे। बिगनिंग रिंग का नाम है, बिगनिंग टावर का नाम है ए, तो हमने यहाँ लिख दिया ए। ऑक्सिलरी टावर का नाम है बी, हम मूव करवाते हैं ए से बी की ओर, तो हमने यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिख दिया बी। ठीक है, अब क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पे एक ही है तो हमारा इफ की कंडीशन चलेगा। इफ का कंडीशन जब चलेगा तो इफ में हम क्या करते हैं, बिगिनिंग से एंड की ओर मूव कराते हैं। तो ये हमारा बिगिनिंग टावर का नाम और ये है हमारा एंड टावर का नाम, तो हमें ये स्टेप मिल गया। सिमिलरली जब इसके लिए हम सेकेंड नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे भी एक ही टावर एक ही रिंग है, इसमें भी वही फॉलो होगा, बिगिनिंग से एंड की ओर, तो बिगिनिंग से एंड की ओर करोगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आप देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, n-1 के लिए सॉल्व करते हैं, 2-1 करोगे तो 1 मिलेगा। टावर का पैटर्न क्या रहेगा, हम ऑक्सिलरी से एंड की ओर मूव करवाते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी टावर का नाम क्या था, बी, तो हमने यहाँ लिख दिया बी।
एंड टावर का नाम है सी, तो हमने यहाँ लिख दिया सी, जो बच गया वो यहाँ लिख दिया, मूवमेंट होगा बी टू सी, यानी हमें ये स्टेप मिलेगा। ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया हमें। अब हम इस पे आ जाओ, ये तो अकेला रिंग ही है, हमें मूवमेंट कराना है ए से बी की ओर, यानी ये स्टेप मिल जाएगा। फिर इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए भी बिल्कुल इसी के जैसा पैटर्न सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ रिंग्स है 2, 1 के लिए सॉल्व होगा। पहले हम सॉल्व करेंगे बिगनिंग से ऑक्सिलरी, बिगनिंग का नाम है सी और ऑक्सिलरी का नाम है ए, तो हम सी से ए की ओर मूव करवा देंगे, हमें ये वाला पैटर्न मिलेगा। फिर एक अकेले रिंग के लिए मूव करवाओ बिगनिंग से एंड की ओर, तो बिगनिंग टावर का नाम है ए सी और एंड टावर का नाम है बी, तो हमें सी और बी का पैटर्न मिलेगा। थर्ड स्टेप में हम कराते हैं ऑक्सिलरी से एंड की ओर मूव, ऑक्सिलरी टावर का नाम है ए, एंड टावर का नाम है बी, तो हमें ये वाला स्टेप मिलेगा, यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अब आप आ जाओ नीचे की ओर, यहाँ पे देखो एक ही रिंग था, हमें मूव करवाना है बिगिनिंग से एंड की ओर, तो हमें मिल गया ए टू सी। इस स्टेप को भी हम बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं, ये फर्दर डिवाइड होगा 2, 1 और 2 के केस में, बिगनिंग से ऑक्सिलरी, बिगनिंग से ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी टावर का नाम है ए, तो हमने बिगनिंग से ए की ओर मूव करवा दिया। फिर एक अकेले रिंग के लिए मूव करवाएंगे बिगनिंग से एंड की ओर, तो बी से सी की ओर मूव करवा दिया। फिर दो रिंग्स के लिए मूव करवाएंगे हम ऑक्सिलरी से एंड की ओर, तो ऑक्सिलरी से एंड की ओर हमने मूव करवा दिया। इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करो, ये अकेला सॉल्व हो चुका है, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करो। ये वाला टावर में एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, एन माइनस 1 करोगे तो। पहले स्टेप में हम करते हैं बिगनिंग से ऑक्सिलरी, बिगनिंग टावर का नाम है बी, तो हमने लिख दिया बी, ऑक्सिलरी टावर का नाम है सी, तो हमने मूव करा दिया बी से सी की ओर, हमें ये वाला पैटर्न मिल गया। सेकेंड स्टेप में हम मूव करवाते हैं बिगनिंग से एंड की ओर, बिगनिंग टावर का नाम है बी और एंड टावर का नाम है ए, तो हमें मिल गया ये वाला पैटर्न। थर्ड स्टेप में हम सॉल्व करवाते हैं ऑक्सिलरी से एंड की ओर, ऑक्सिलरी टावर का नाम है हमारे पास सी, यहाँ पे देखो सी है ना, और एंड टावर का नाम है ए, तो हमने मूव करवा दिया सी से ए, तो हमें मिल गया ये वाला स्टेप। ये स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट था, तो ये मिल चुका है, इसको सॉल्व करें। यहाँ पे हमें पहले सॉल्व करना होगा बिगनिंग से ऑक्सिलरी की ओर, बिगनिंग टावर का नाम है ए, ऑक्सिलरी टावर का नाम है बी, हमें ए टू बी मूवमेंट मिल गया। सेकेंड स्टेप में हम बिगनिंग से एंड की ओर मूव करवाते हैं, यानी ए टू सी हमें मिलेगा। थर्ड स्टेप में हम करते हैं ऑक्सिलरी से एंड की ओर, ऑक्सिलरी टावर का नाम है बी और एंड टावर का नाम है सी, तो हमें यहाँ से मिला टोटल मूवमेंट बी टू सी। यानी कि देखा जाए अगर तो हमें अपने पूरे पैटर्न मिल चुके हैं, और ये है हमारा पैटर्न। ये आप काउंट करोगे तो टोटल 15 स्टेप्स आता है। अगर आपको लगता है वो कि सर पता नहीं क्या बता दिए, मुझे समझ में ही नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी कुछ है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको 1 सेकंड दो मुझे। C++ का प्रोग्राम है, लास्ट डे जो वीडियो दिया था मैंने उसमें ये प्रोग्राम लिखा भी था, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो। मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ क्या मिलता है आंसर। हम जो यूज कर रहे हैं वो n इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व किया तो हमें मालूम है n इक्वल टू 3 के लिए पैटर्न जो है वो ये वाला मिलता है। हम सबसे पहले a से c की ओर मूव करवाते हैं, फिर a से b की ओर मूव करवाते हैं, फिर c टू b, a टू c, b टू a, b टू c और लास्टली a टू c, ठीक है। इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, n इक्वल टू 4 डाल दें, तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। बस यहाँ पे चेंज करना है n इक्वल टू 4। पहले मैं एग्जीक्यूट करा के आंसर दिखा दूँ, फिर इस प्रोग्राम को समझाऊंगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करा लें तो हमें देखो एग्जीक्यूशन के बाद ये 15 स्टेप मिल चुका है। और अगर किसी बच्चे ने लिखा होगा तो हमारा आंसर भी इसी तरह का था।
देखो एन इक्वल टू 4 के लिए हमने क्या क्या मूवमेंट किया है, ए टू बी, ए टू सी, बी टू सी, ए टू बी, ए टू सी, बी टू सी, फिर है ए बी सी ए सी बी, ए बी सी ए सी बी, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ए सी बी सी बी ए, ए सी बी सी बी ए, सी ए बी सी ए बी, सी ए बी सी ए बी, और लास्ट में ए सी बी सी, और यहाँ पे भी ए सी बी सी, यानी कि हम जो इस वाले में जो आंसर लेके आ रहे थे, यहाँ पे जो आंसर लेके आ रहे थे हम, वही आंसर हमें प्रोग्राम को रन कराने के बाद भी मिला है। यानी हमने जो एल्गोरिदम बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है एल्गोरिदम। अब चलो एक सेकेंड इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं, पहले सी वाला प्रोग्राम समझा देता हूँ, फिर सी प्लस प्लस वाला प्रोग्राम समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या था, हमें करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा रहा फंक्शन, हमने फंक्शन का नाम दे दिया टावर ऑफ हैनोई, ठीक है, हम दे सकते हैं। ये फंक्शन जो है हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड होगा। रिटर्न थोड़ी कर रहा, हमें बस मूवमेंट प्रिंट कराना था, कोई वैल्यू लेके आना ही नहीं था, तो हमने उसका रिटर्न टाइप वॉइड दे दिया, कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिख रखा है, ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है यार, आपने एल्गोरिदम जो लिख रखा है उसको अगर देखोगे तो यही वाला पैटर्न हमने फॉलो किया है। एक सेकंड, ये रहा हमारा, हमने फंक्शन का नाम दिया टावर, फंक्शन का नाम दिया टावर ऑफ हैनोई भी लिख सकते हो, टावर भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। ये फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करा, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड होगा। दो टोटल पैरामीटर्स जो हमने यूज किए हैं वो है 1 2 3 4, पहला जो है वो है नंबर ऑफ रिंग्स, फिर 3 टावर्स हैं, तो हमें इस टावर ऑफ हैनोई वाले फंक्शन में 4 पैरामीटर्स लेने होंगे। पहला पैरामीटर जो होगा वो नंबर ऑफ रिंग होगा, उसके अलावा हमें 1 2 और 3 टावर्स के नाम चाहिए, क्योंकि वो टावर्स के नेम है, इसलिए हम टाइप उसका क्या रखेंगे, कैरेक्टर। और ऑर्डर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं कि हमें मूव कराना है फ्रॉम से टू वाले की ओर, इसलिए हमने पहले टावर को लिखा है बिगिनिंग टावर, दूसरे टावर को लिखा है टू टावर या फिर एंड टावर, और बीच में जो टावर यूज किया है वो है ऑक्सिलरी टावर, ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा है यहाँ पे जो हमने मूव किया था। नेक्स्ट स्टेप में हमें इफ की कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, आप प्रोग्राम के एल्गोरिदम में देखोगे तो वहां पे भी एक इफ की स्टेटमेंट थी, और कंडीशन क्या लिखा था, एन इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ रिंग अगर 1 होंगे तो हमें सिर्फ बिगिनिंग से एंड की ओर मूव करवाना है। तो इसको चेक करते हैं, इफ एन डबल इज इक्वल टू 1, आपको 2 दिन पहले भी क्लास में बताया था एल्गोरिदम का सिंगल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट नहीं है, हम वहां पे ये चेक कर रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है या नहीं, इसलिए एल्गोरिदम में हमने सिंगल इक्वल टू लिखा है, बल्कि प्रोग्राम जब बनाया तो वहाँ डबल इक्वल टू लिखा, क्योंकि हम एन की वैल्यू 1 के बराबर मानना चाहते हैं, मैथ्स वाला इक्वल, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो हमें सिंपल मूव करवाना था कहाँ से कहाँ था, एक मैसेज प्रिंट कराना था, राइट जो लिखा है उसका मतलब एक मैसेज प्रिंट होगा, और मैसेज क्या प्रिंट होगा कि मूवमेंट जो है वो बिगिनिंग से एंड की ओर हुआ है, तो हमने मैसेज प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ यूज किया है। और देखो आप मैसेज लिखा भी है, मूव डिस्क फ्रॉम रॉड टू रॉड, और पैरामीटर क्या लिया है, बिगिनिंग से एंड की ओर, यानी एल्गोरिदम का इफ जो लिखा था वो बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट जो है एल्गोरिदम में हमने क्या किया, 3 स्टेप बनाए हैं एन माइनस 1 रिंग्स को मूव करवाने के लिए, एक फंक्शन फिर से कॉल किया, एक अकेले रिंग को मूव कराना है, और फिर से रिकर्सिव कॉल किया एन माइनस 1 को मूव कराने के लिए, तो देखें वो है या नहीं। ये देखो टावर ऑफ हैनोई यहाँ पे भी लिखा है, और ये वही फंक्शन है जिसमें हम काम करें, यानी ये रहा रिकर्सिव कॉल, ये सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये रहा हमारा दूसरा स्टेटमेंट, और फिर से एक रिकर्सिव कॉल, क्यों, क्योंकि टावर ऑफ हैनोई यहाँ पे भी लिखा है और वही फंक्शन हम यूज भी कर रहे हैं। चलो इसको समझ लेते हैं, एल्गोरिदम में आपसे कहा था पहला रिकर्सिव कॉल क्या, कि एन माइनस 1 रिंग्स को आपको मूव करवाना है बिगिनिंग वाले से ऑक्सिलरी वाले की ओर, तो हम यहाँ पे देखो टावर ऑफ हैनोई फंक्शन लिखे हैं,
इस वाले टावर ऑफ एनोई और इस वाले टावर ऑफ एनोई में थोड़ा अंतर है। देखो क्या एन माइनस वन के लिए मूव करवा रहे हैं, एल्गोरिदम भी आपसे एन माइनस वन के लिए ही मूवमेंट चाहता था। हमारा ऑर्डर क्या है टावर्स का, पहले बिगिनिंग टावर, फिर एंड टावर, फिर ऑक्सिलरी टावर, और मूवमेंट होगा बिगिनिंग से ऑक्सिलरी की ओर। देखो हमने वही लिखा है, बिगिनिंग टावर जिसको फ्रॉम बोल रहे हैं, एंड टावर जिसको टू बोल रहे हैं, और ऑक्सिलरी टावर, और मूवमेंट कैसे हो रहा है बिगिनिंग से ऑक्सिलरी की ओर। यानी यहाँ तक का स्टेटमेंट हमारा सही है। जब ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आएंगे इस वाले स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है। आप देखो पहली बार जब फंक्शन में आएंगे तो ये फोर के लिए चल रहा है, फिर जब ये स्टेटमेंट रन होगा तो ये थ्री के लिए रिकर्सिव कॉल होगा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे नहीं, बल्कि ये वापस यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। यानी ये दोनों स्टेटमेंट तभी चलेंगे जब आपका ये स्टेटमेंट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला फंक्शन, ये वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर आपको कैसे पता ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए हमने ये डायग्राम से आपको समझाया था। एन इक्वल टू फोर के लिए स्टार्ट किए, थ्री के लिए ये वाला पूरा ट्री पूरा कंप्लीट होगा, देन आप इस वाले स्टेटमेंट पे आओगे, उसके बाद ये वाला पूरा ट्री एक साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में एल्गोरिदम में देखो क्या लिखा है, बिगिनिंग से हम एंड की ओर मूव करा रहे हैं और एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि यहाँ राइट वर्ड लिखा था, तो हमने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट चलाया और मूवमेंट कर दिया हमने कहाँ से, बिगिनिंग से एंड की ओर। ठीक है, लास्टली एल्गोरिदम आपसे ये कहता है कि एन माइनस वन रिंग्स को फिर से मूव करवाओ ऑक्सिलरी टावर से एंड टावर की ओर। तो हमने बिल्कुल वही किया, टावर ऑफ एनोई फंक्शन रिकर्सिव कॉल किया, एन माइनस वन के लिए कॉल किया, और ऑक्सिलरी टावर से एंड टावर की ओर हमने मूव करवाया। इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने जो एल्गोरिदम में लिखा बिल्कुल वही का वही स्टेप हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एल्गोरिदम में सिर्फ आपसे इतनी बातें कहा गया था, अब इसको कराने के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ सकता है, जो कि मेन में होगा। हम एन की वैल्यू लेंगे, टावर ऑफ एनोई फंक्शन पहली बार कॉल करेंगे, फिर वो फंक्शन यहाँ आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये सारी स्टेटमेंट चलेगी, और लास्टली आपको ये वाला आंसर मिलेगा। ये आया समझ में? आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इस एल्गोरिदम में और इस प्रोग्राम में कोई अंतर नहीं है। इस एल्गोरिदम में हमने आपको मेथड बताया कि ये काम करना है, हमने यहाँ लिख दिया कॉल करो इस फंक्शन को, और ये फंक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, ये वही वाला फंक्शन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फंक्शन लिखना होता है और सेमी कॉलन लिख कर उसको कॉल करना होता है। सिमिलरली हमने सेकेंड स्टेप में कहा एक प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए मुझे, तो आपने प्रोग्राम में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। थर्ड स्टेप में मैंने कहा कि फिर से रिकर्सिव कॉल करो उसी फंक्शन को इस पैटर्न में, आपने उसी रिकर्सिव कॉल किया और सेम पैटर्न लिखा है। वेरिएबल्स का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ये सब हम लोग फर्स्ट ईयर से ही जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सी वाले प्रोग्राम में आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हुआ होगा, और आपको इतना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया होगा कि अगर आपको एल्गोरिदम पता है तो आप उसका प्रोग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं सी प्लस प्लस वाले प्रोग्राम को भी रन करा के देखता हूँ। सर अगर इसमें स्कैनफ यूजर से लेंगे अपन एन आप लिख तो भी तो सकते सर हो, ये वो तो एल्गोरिथम आप बहुत अच्छे से। बिल्कुल कर सकते हो। मैंने बोला ना हमारा टास्क सिर्फ इतने पोर्शन में था, एल्गोरिदम आपको सिर्फ इतना हिस्सा बता रहा है। अब ये एन की वैल्यू आप कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, वो आपकी टेंशन है। आप इस टावर का नाम ए बी सी कैसे लोगे, वो आपकी टेंशन है। उसके लिए हमें मेन में पड़ा, आप एन की वैल्यू डायरेक्ट भी ले सकते हो, यूजर से सी इन सी आउट से भी, प्रिंटर स्कैनर से भी ले सकते हो। आप इसके टावर को पास जब करोगे तो ए बी और सी पास करोगे, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बिगिनिंग टावर ए है और एंड टावर सी है। बुक्स में आप जब पढ़ोगे तो वो ऐसे बनाते हैं, ये बिगिनिंग टावर है, ये एंड टावर है, ये वो बुक में कभी कभी क्या करते हैं, वो मूव करवाते हैं, इसको बिगिनिंग मानते हैं ए को, और इसको मान लेते हैं एंड टावर, और ये वाला टावर जो होता है वो ऑक्सिलरी हो जाता है। तो उनका मूवमेंट ऐसा चलता है किताबों में, तो वो जब लिखेंगे इसको तो वो दूसरे तरीके से लिखेंगे, वो लिखेंगे ए सी बी, क्योंकि उनके नज़र में बी टावर जो है वो डेस्टिनेशन है, हमारी नज़र में सी टावर डेस्टिनेशन है, इसलिए हमने लिखा है ए बी और सी। हमें ध्यान देना है कि हम मूवमेंट पहले से तीसरे की ओर करा रहे हैं,
इसी प्रोग्राम को जब आप बुक में पढ़ोगे तो हो सकता है उनका फंक्शन लिखने का तरीका अलग हो, वो यहाँ से यहाँ मूव करा रहे होंगे क्योंकि वो इनको बिगनिंग और इसको डेस्टिनेशन मान रहे हैं, हमने अलग तरीका यूज किया। आप इस प्रोग्राम को बुक से पढ़ना, लॉजिक आपको याद रखना है, पहले स्टेप में हमें मूव कराना है बिगनिंग से ऑक्जिलरी, सेकंड में हमें मूव कराना ऑक्जिलरी से सॉरी बिगनिंग से एंड, और थर्ड में हमें मूव कराना है ऑक्जिलरी से एंड। ऑर्डर उस टावर का कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सी प्लस प्लस वाले प्रोग्राम में आ जाएं। ये n इज इक्वल टू 3 के लिए है, देखो ये चल गया, n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने इस प्रोग्राम को चला लिया सी प्लस प्लस में। देखो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप मेन की बात करो तो n इक्वल टू 3 हमने उसमें भी लिया था, टावर ऑफ हैनोई लिखने का तरीका उसमें भी ऐसा ही था, एक रिटर्न स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आया क्योंकि हम यहाँ इंट मेन कर रहे। खैर अगर एल्गोरिदम की बात करो तो एल्गोरिदम में कोई चेंज नहीं आया, वॉइड रिटर्न टाइप पहले भी था, टावर ऑफ हैनोई उसका नाम पहले भी था, एन हमने पहले भी लिया था, और कैरेक्टर टाइप के ये तीन टावर्स हमने पहले भी लिया था। इफ स्टेटमेंट आएगा ही अगर एन की वैल्यू 1 होगी, बस अंतर यहाँ पे आ गया, हम उस केस में प्रिंट एफ यूज कर रहे थे, अब हमें सी आउट यूज करना, वो तो नॉर्मल सी बात है, आप लैंग्वेज चेंज करोगे तो टेक्स्ट आपके चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर से टावर ऑफ हैनोई को कॉल कर रहे हैं एन माइनस 1 के लिए, फ्रॉम से ऑक्सिलरी के लिए। ठीक है, फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट क्यों आया क्योंकि हमने एक राइट लिखा है, एक मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है, इसलिए सी आउट किया हमने, और मूवमेंट कहाँ से है, फ्रॉम से टू यानी बिगिनिंग से एंड की ओर। लास्टली फिर से एक रिकर्सिव कॉल आया एन माइनस 1 के लिए, और इस बार हम मूव करा रहे हैं ऑक्सिलरी से टू की ओर, यानी इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो सी और सी प्लस प्लस में केवल सिंटेक्स में चेंजेस आया है, उसके अलावा आपके लॉजिक में कोई चेंज नहीं आया। सेम प्रोग्राम आप जावा में बनाओगे तो जावा के अकॉर्डिंग सिंटेक्स आपको यूज करना होगा, आप पाइथन में बनाओगे तो पाइथन के अकॉर्डिंग सिंटेक्स यूज करना होगा, लॉजिक में आपके कोई अंतर नहीं आएगा। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम हम क्यों लिखते हैं। जब मैंने ये एल्गोरिदम लिखा था तो मुझे नहीं मालूम कि शुभम कौन से लैंग्वेज में बनाने वाला है, नीरज कौन से लैंग्वेज में बनाने वाला है, इसलिए मैंने बस एक स्टेप बताया कि ये सारे काम तो मुझे करने हैं मिनिमम। अब आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट सी इन लगाना होगा, सी में बनाओगे तो प्रिंट एफ स्कैन एफ करना होगा। ये आया टॉपिक समझ में, टावर ऑफ हैनोई? किसी यस सर, यस सर। किसी को कोई और डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं एक बार फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। बस हमें ये याद रखना है इस फंक्शन में कि हमें एक प्रॉब्लम को तीन स्टेप्स में डिवाइड करना है। अब जो वर्ड मैं बोलने वाला हूँ उस पर ध्यान देना, मुझे प्रॉब्लम क्या मिला था कि मैं चार के लिए सॉल्व करूँ, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में। पहला हिस्सा कह रहा है कि आप तीन के लिए सॉल्व कर लो, फिर एक के लिए सॉल्व कर लो, फिर तीन के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तीन के लिए जब मैंने सॉल्व किया तो फर्दर इसको डिवाइड कर दिया मैंने, इसके लिए मैंने बोला टू के लिए कर लो, वन के लिए कर लो, टू के लिए कर लो, ये आगे फिर से डिवाइड हुआ वन के लिए, वन के लिए, वन के लिए, है ना। तो आप देखो एक बड़े से प्रॉब्लम को मैं डिवाइड करता जा रहा हूँ हर स्टेप में। ठीक है, और कब तक डिवाइड किया, जब तक कि वो एक सिंपल फॉर्म में नहीं आया, सिंपल फॉर्म इन द सेंस कि जिसके लिए हमारे पास सिंपल कंडीशन दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे ये वाला कंडीशन दिया था। ये जो अप्रोच यूज होता है इसको कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। हम एक प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे और फिर उस पे जीत हासिल करेंगे, जो अंग्रेज लोग हम लोगों के ऊपर करते थे डिवाइड एंड रूल,
वही फॉलो हम लोगों ने इस वाले पे किया है। एक प्रोग्राम को सिंपल फॉर्म में डिवाइड करते जाओ, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में नहीं आ जाए, फिर हम उसका ओवरऑल आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को डिवाइड क्या किया, हमारे पास चार एन रिंग्स थे, हमने उस एन रिंग्स में से एन माइनस वन रिंग्स को पहले मूव करवा दिया इस वाले टावर पे। ये है हमारा नंबर वन स्टेप। अब क्योंकि ये दोनों मूव होके यहाँ आ चुके हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही रिंग बचा है, उस रिंग को हमने मूव करवा दिया यहाँ पे। ये है हमारा नंबर टू स्टेप। और इस रिंग, इस टावर में जो पहले स्टेप में दो रिंग्स आए थे, उसको फिर हमने यहाँ से मूव करवा दिया लास्ट वाले में। ये है हमारा नंबर थर्ड स्टेप। अब इस एन माइनस वन रिंग्स को जब हम मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फिर से रिकर्सिव कॉल ही करना होगा। क्यों? क्योंकि पहला प्रोग्राम जो मिला था वो एन के लिए था, और अब हम एन माइनस वन के लिए वही मूवमेंट करा रहे हैं, बस ऑर्डर चेंज हो गया। इस कारण से टावर ऑफ एनोई को जब हमने कॉल किया है, तो ये रिकर्सन कॉल से किया है। और ये आसान मेथड है, आपको देखो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, तीन चार लाइन का कोड है बस। नॉर्मल मेथड से आप बनाते हैं इसको तो बहुत लेंदी पड़ता, ठीक है? इसलिए रिकर्सिव और इटरेटिव के बीच में जो डिफरेंस हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी देखा था, उसको भी अगर ध्यान से याद करो, तो हमारा यही मेथड था कि रिकर्सिव के मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो कई बार वो बहुत ही फायदेमंद होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे मेरी तरफ से रिकर्जन खत्म हो चुका है, जो नेक्स्ट